टीम, मैं आज की कैप्टन बनी हूँ प्रताप नगर स्टोर की। आज की डेट 30 तारीख की हूँ, मेरे को कैप्टन बनाया गया है और मैं आप सबको 5 गोल्डन रूल्स बताना चाहती हूँ। उस 5 गोल्डन रूल्स में देखो ये है कि कस्टमर सर्विस के बारे में बताया जाता है। 5 रूल्स बताए जाते हैं, उस 5ों में फर्स्ट है रेटिंग सर्विस में क्या है ना कि मतलब जब कस्टमर एंट्री करता है तो एंट्री करते टाइम उस कस्टमर से नमस्कार करके आव आदर के साथ वो उसको बास्केट साइज का पूछिए, उससे नमस्कार करके उनको आगे क्या चीज चाहिए वो आगे फिर स्टाफ अपने आप देख लेंगे। और उसको ऐसे मतलब नमस्कार करना, सैनिटाइजर करवाना, अगर मास्क नहीं है तो मास्क ऑफर में दीजिए उनको, ये पूछिए। फिर सेकंड पॉइंट अपना है टीम फूड रूल्स। इसमें क्या है ना 10 फूड रूल्स में क्या है, मतलब जैसे कस्टमर अंदर एंट्री करता है उसके बाद में स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कस्टमर को अटेंड करना, तो कस्टमर यहाँ इधर उधर चले उनके पीछे पीछे नहीं चल रहा, बस साइड में 5 या 10 कदम की दूरी पे खड़ा रह के देखिए, उनको नमस्कार करिए। ऐसा नहीं है कि पास में खड़े हैं तो कस्टमर साइड से जा रहा है उसको इग्नोर कर दो, नहीं, उनको इग्नोर नहीं करना और उनको नमस्कार करके वो अगर लग रहा हो कि उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनका हेल्प का पूछ लीजिए कि सर आपको कुछ हेल्प की कोई ज़रूरत है तो क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। अगर लग रहा हो ऐसे तो ही जाना, क्योंकि बिना बुलाए मेहमान नहीं बनना, उनके पास नहीं जाना, क्योंकि फिर क्या है ना मतलब ऐसे ज़्यादा करीब भी जाके ऐसे नहीं पूछना, क्योंकि वो फिर ऐसे सोचेंगे मेरे सर में आके खड़ा हो गया। ऐसे सोच उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए, उनको कम्फर्टेबल फील होना चाहिए। कस्टमर यहाँ पे आते हैं कम्फर्टेबल फील करके एकदम अच्छे से शॉपिंग करें अपनी, इसलिए आते हैं। थर्ड पॉइंट अपना है क्लीन स्टोर। क्लीन स्टोर में क्या है ना, जैसे अब कल की शॉपिंग हुई, कल के लोगों ने शॉपिंग की, सारा अपना फंटिंग प्रेसिंग जो भी था वो अच्छे से था, ठीक है, सारा मतलब आइटम जो भी है सारा फंटिंग प्रेसिंग में लगा हुआ था क्योंकि कस्टमर को दिख रहा था। अब क्लीन स्टोर मतलब कहीं पर भी डस्ट वगैरह नहीं हो, कहीं चीज़ हाथ में ले तो उसके हाथों में डस्ट ना लगे, इसलिए सारी चीज़ों को क्लीन करके और डस्ट जो भी दिख रही है उसको थोड़ा पीछे से क्लीन करो और सामान को आगे मतलब फ्लोर मतलब अच्छा डिस्प्ले करो ताकि कस्टमर को अच्छे से दिखे कि वहाँ पे वो चीज़ रखी गई है। अगर जैसे ऊपर के सेल्फ में अगर वो सामान रखा जाता है जो ज़्यादा मतलब ऐसे होता नहीं एक्स्ट्रा सामान होता है, उसको नीचे फंटिंग प्रेसिंग करके अच्छे से लगाओ। अब कल का जो भी दिखा तो सारे सेल्फ वगैरह जो खाली दिखाई दे रही है ना उन सारों में फंटिंग प्रेसिंग करके अच्छे से डिस्प्ले करो उसको, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो देखने में, ऐसे ऊपर नीचे होके उसको देखना नहीं पड़े। चौथा पॉइंट अपना है स्टॉक ऑन द सेल्फ। स्टॉक को मतलब अच्छे से एकदम क्लीन करके वही सेम सारा मतलब कस्टमर आए उसको अगर लग रहा है कि स्टॉक अपने को जैसे कोई सामान मिल नहीं रहा है तो उसको स्टॉक अच्छे से बताइए कि सर यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे मैगी है, पास्ता है, नमकीन है, ये सारा चीज़ बताइए। क्रॉकरी की साइड जैसे कस्टमर को पता नहीं है क्रॉकरी उस साइड है या फिर इस साइड है तो उनकी हेल्प करिए और वही सेम वापस फंडिंग प्रेसिंग इसी में सारे टाइम मतलब उनको ऐसे नहीं है कि सामान ऐसे पीछे गिरा पड़ा है उनको दिखाई नहीं दे रहा, कस्टमर ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, चलो बाहर से ले लेता हूँ। 5वां पॉइंट अपना है फास्ट एंड फ्रेंडली चेकआउट। इसमें क्या फास्ट एंड मतलब बिलिंग काउंटर, इसको चेक काउंटर 3-4 नाम से जानते हैं, तो बिलिंग काउंटर पे मतलब भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। जैसे कस्टमर खड़ा रहे तो उनको लाइन लगा के 2 या 3 कस्टमर से ज़्यादा उनकी लाइन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर क्या है ना फिर भीड़ की वजह से वो छोड़ के चले जाते, तो उसे बिलिंग में थोड़ा फास्टली एकदम स्पीड से रहना एकदम अच्छे से, कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि मतलब बिलिंग यहाँ पे रियली में फास्ट होती है और हाथ को ऐसे चलाना ऐसे और बिलिंग ऐसे नहीं कि पैसे ऊपर नीचे करते, नहीं, अच्छे से एकदम माइंड को फ्रेश रख के अच्छे से एकदम कस्टमर को अटेंड करो और बिलिंग काउंटर में जो भी है रखो एकदम। कैशियर को देखो, कस्टमर आते हैं उसको नमस्कार करना है, उसको नमस्कार करके उनके जो बास्केट में जो सामान है वो सारा अपने बिलिंग काउंटर पे देखिए, उसको सारे स्कैन करके अच्छे से एकदम और उनका बिल बना के फिर ऐसे नहीं है कि बिल बना के उनको सामान दे दो, उनको गार्ड साहब के साथ वहाँ पे पास लेकिन करके उसको अच्छे से पैक करवा के अगर वो बोले कि हमको हेल्प की जरूरत है गाड़ी तक भी रखवा दो तो उसकी हेल्प करके उस सामान
आपको गाड़ी तक भी रखवा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लेडीज है तो अगर उनसे रखा नहीं जा रहा है तो कोई स्टाफ उनकी हेल्प कर दो कि भाई भारी सामान है तो फिर नहीं रखा जा रहा तो कोई हेल्प कर दो। इसमें पांचवा पॉइंट ये है। अब कस्टमर सर्विस, अब मैं बताऊंगी कल की सैर के बारे में। 5,27,170 रुपए की कल की सैर है और अपना टारगेट है पर डे का 3 लाख। अपन लोगों ने 2,27,170 रुपए की सेल एक्स्ट्रा की है, मतलब अच्छी की है।